गाइस सेकंड पैकेज आ गया मेरा नया माउस। अनबॉक्स करते हैं इसको भी, देखते हैं क्या है G402 में ऐसा स्पेशल। हाइपेरियन फ्यूरी G402 लॉजिटेक सामने सी है, लेफ्ट राइट में सी है। ये एक प्रोडक्ट सैंपल के लिए छोटा सा सैंपल है। ये साइट के लिए दिया हुआ है अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो। और ये मैनुअल है, ये स्टिकर्स भी दिए हैं, ये स्टिकर है बस गारंटी कार्ड का है, इसके पीछे ही होना चाहिए। 8 बटन है इसमें मेरे हाथ के हिसाब से तो सही है। मेरा हाथ मीडियम साइज़ है और मीडियम साइज़ का ही है ये भी। 8 बटन है इसमें, ये तो प्राइमरी जो राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक, और लेफ्ट साइड में आपको मिल जाते 4 बटन, 1 2 3 4, और नीचे ये आप इसमें सारी वैलोरेंट की एबिलिटीज डाल सकते हो। और स्कोपिंग के लिए अलग से, स्कोपिंग के लिए तो राइट क्लिक ही है। स्क्रोल बटन पे भी एक बटन है, और इसमें प्रोसेसर भी है। कौन सा प्रोसेसर है इसमें? और इसका DPI 240 टू 4000 के बीच में आप उसमें कस्टमाइज कर सकते हैं, और इसकी लाइटिंग भी कस्टमाइज कर सकते हैं। इतना कुछ लाइटिंग का है नहीं, बस ये जी का ही लाइट सिंक अगर आपको चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। और इसमें ट्रैकिंग भी है, आपके हैंड मूवमेंट को समझ के वो एक ट्रैकिंग करेगा कि आप कैसे क्लिक करते हो एंड ऑल। अभी इसकी टेस्टिंग पे जाते हैं और टेस्टिंग पे वैलोरेंट टेस्ट करते हैं, और फायर रेंज में जाके टेस्ट करते हैं इसको। पहले मैं इसकी टेस्टिंग दिखाऊंगा फायर रेंज में वैलोरेंट में, क्योंकि ये तो पुराना माउस है। इसकी टेस्टिंग दिखाऊंगा और फिर G402 की टेस्टिंग दिखाऊंगा, उसमें चेक करते हैं कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है, मतलब परफॉर्मेंस कैसी ज़्यादा अच्छी हो सकती है इसमें। ये तो 500 का है, बहुत पुराना है, 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ मैं इसे, अभी चेक करते हैं। तो गाइस मैंने अपना माउस G402 कर लिया इंस्टॉल, और उसके बाद फिर मैं लॉजिटेक G402 सॉफ्टवेयर पे गया, तो यहाँ पे ये साइट आई, और यहाँ पे आपको फिर सपोर्ट में जाना है, नीचे नीचे नीचे। एक सेकंड, सपोर्ट तो इधर था, गेमिंग माइस, यहाँ पे सपोर्ट मिल जाएगा। सपोर्ट में जाके आपको नीचे गेटिंग स्टार्टेड दिखा देगा वो। गेटिंग स्टार्टेड की गाइड में आप जैसे ही जाएंगे तो आपको यहाँ पे ये सारी पूरी गाइड बताएगा वो कैसे इंस्टॉल करना है। ये यहाँ पे 6-8 प्रोग्रामेबल बटन्स हैं, ये वाला जैसे कि आपको पता है, और यहाँ पे रबराइज ग्रिप भी है एक,
बहुत अच्छा लगा मेरे को ये देख के, रबराइज्ड ग्रिप है उस पर, अच्छा आपको ग्रिप मिल रहा है तब हैंड एंड ऑल का, मतलब आपका जो थर्ड थर्ड फिंगर है वो काफ़ी अच्छे से आपको, मतलब कहीं स्टॉप करना हो आपको अचानक से तो ऐसे स्टॉप कर सकते हैं, वो ग्रिप अच्छी है आपको, कंफर्ट दे रही है, और गेमिंग के लिए तो और भी अच्छा है, मैं तो गेमिंग के लिए लिया हूँ। और फिर यहाँ पे लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक तो सबको पता ही है आपको, अगर DPI शिफ्ट करना है तो पहले आपको इस बटन को दबाना है जो यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे वो ये लाइंस दे देगी, लाइंस चालू हो जाएगी, और फिर इसे आप इंक्रीज़ कर सकते, ये डिक्रीज़ कर दिया मैंने G8 से, G7 से इंक्रीज़ हो रहा है, ये 400 है पहले, ये 800 है, 1600 है, और ये 3200 है, बट मेरे को 800 ही पसंद है तो 800 ही ठीक है। बाकी सब सेटअप यहाँ पे दिया हुआ है, और कुछ नहीं है, बस इतना ही है। बाकी अगर आपको कुछ डाउनलोड, ये सॉफ्टवेयर भी डाउन कर सकते हैं आप, इसमें आपको शायद यहाँ पे भी रबराइज्ड फील है, बट वो पूरा रबर नहीं है, क्योंकि ये तो मेरे को रबर नहीं लग रहा, बट थोड़ा सा उन्होंने फिनिश डाला है उस पर। बाकी यहाँ पे स्वेट इकट्ठा हो रहा है, यहाँ पे पूरा ये पूरा प्लास्टिक है साइड, ओके। ओके, यहाँ पे आपको अपना DPI दिख जाएगा, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर में सब कुछ दिया हुआ है। ओके, आप उसको ओके, आप 2400 भी बना सकते हैं, और ओके 1000 DPI करके दिखता हूँ। वाओ, आप मतलब 1000 इज़ गुड। ओके, अभी चेंज करके देखते हैं, 400। फोर हंड्रेड, 800, 1000, 1600, 3200, ओके।
नाइस, सही है यार। सो आई डिफॉल्ट में ये रहना चाहिए, टू ट्यूज़। एट हंड्रेड शुड बी, 800 रहना चाहिए, मेरे को 800 सही रहेगा। चलो अभी हॉप इन टू द गेम एंड लेट्स चेक व्हाट्स हाउ इज इट गोइंग इन द गेम। तो ये पहला माउस है जो मेरा पुराना माउस था, ज़ेप्ट्रॉनिक ज़ेप ट्रांसफॉर्म, ये मैं उसे टेस्ट कर रहा हूँ। और इसके पहले से मेरा हाथ बैठा हुआ है तो काफ़ी अच्छे खासे खेल हुए थे इस पर। दूसरा माउस है जो अभी नया G402 है, ये इस पर मेरा हाथ बैठा हुआ नहीं हुआ है तो भी मेरे अच्छे खासे खेल हो रहे हैं इस पर। अभी धीरे धीरे जैसे ही आपका हाथ बैठता है आपको मतलब एक कंफर्ट लेवल जब आपका रहता है माउस पे तभी जाके आपके अच्छे खासे खेल। धीरे धीरे वेट से भी यूज टू होते हैं तो इसलिए थोड़ा सा इसमें एक दो किल कम हुए, बट इट्स वर्थ इट, इट्स बेटर देन ज़ेप ट्रांसफॉर्म एनी वे। पहले से परफॉर्मेंस भी करके रखी है। और यहाँ पर रिलोड और यूज़ ऑब्जेक्ट, पीछे के बटन्स तो सेम ही रहते हैं, मतलब जो आपका 3 और 4 पहले से है, जैसे मेरा ये है, कहाँ गया, अबिलिटी अल्टीमेट G7 G8। ये देखो ये ई क्यू का जो है ना, ई मेरे बटन में है, ये वाले बटन में है, कौन सा ये G6। और G5 में मेरा C की एबिलिटी है, तो ऐसे करके आप G शिफ्ट पकड़ सकते हैं और जैसे ही आप G शिफ्ट बंद करेंगे डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। और फिर आप यहाँ से अपना लाइट सिंक कर सकते हैं 100, तो वो ऐसे जैसे मेरा 1000 ms पे लगा के रखा है, मिली 1000 ms, तो इतना स्पीड आएगा, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। कलर शायद कलर चेंज कर सकते हैं क्या, ये कलर चेंज कर सकते हैं शायद, कलर नहीं नहीं मालूम कलर चेंज कर सकते कि नहीं, वही लग रहा है मेरे को, तो कुछ डिफरेंस नहीं लग रहा है। कलर आप दूसरे कंपैटिबल में कर सकते हैं। और यहाँ पे DPI पे जैसे आपको, अगर मैंने मेरे को जैसे 1000 नहीं अच्छी लगती, मेरे को 1000 थोड़ी ज़्यादा फास्ट है और 800 थोड़ी ज़्यादा कम है, मतलब काफ़ी कम हो गई, तो मेरे को उसके बीच की चाहिए थी, तो मैंने उसका ये जो 2400 का था उसको 900 पे ला दिया और जो 4000 का था 950 पे ला दिया। बाकी 1600 को भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, और फिर डिफ़ॉल्ट भी आप रख सकते हैं अगर आपको डिफ़ॉल्ट रखना है तो। डिफ़ॉल्ट मेरा वैसे 900 ही है और मैं 900 से ऊपर नीचे करता नहीं हूँ, तो हाँ बाकी यही था इसके बारे में। और इसमें एक आर्म बिट प्रोसेसर है जो आपके फंक्शंस ट्रैक करेगा, उसके हिसाब से आप यहाँ पे मैक्रोस बना सकते हो, वो मैक्रोस से आप थोड़ा गेमिंग और इनहांस कर सकते हो, बट फिलहाल मेरे को इतना नहीं मालूम है मैक्रोस के बारे में, जैसे मेरे को पता चलेगा मैं वैसे ही अपडेट कर दूंगा अपने शॉर्ट्स में। तो थैंक यू गाइस, बस यही था G402 का रिव्यू, अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू।